हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6। पाठ का नाम है विश्व मानव अधिवास। विश्व मानव अधिवास इस पाठ में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या। नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या, नगरीय कच्ची बस्तियों की क्या क्या समस्या है। नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्याओं में आप बताएंगे कच्ची बस्तियों में सड़कों का अभाव। नगरीय कच्ची बस्तियों में सड़कों का अभाव, नगरीय कच्ची बस्तियों में सड़कों का अभाव पाया जाता है। आवासों की कमी, नगरीय कच्ची बस्तियों में आवासों की कमी पाई जाती है। पेयजल प्रकाश व शुद्ध वायु की कमी, पेयजल प्रकाश व शुद्ध वायु की कमी इन बस्तियों में होती है। अत्यधिक भीड़ से संक्रमण का खतरा, अत्यधिक भीड़ भाड़ होती है इससे संक्रमण का खतरा रहता है। अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा रहता है। कच्चे मकानों में आग लगने का खतरा, कच्चे मकानों में आग लगने का खतरा रहता है। ये जो सब आप देख रहे हैं ये नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्याएं हैं, नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्याएं। तो कच्चे मकानों में आग लगने का खतरा रहता है। शौचालय की सुविधाओं का अभाव, कच्ची बस्तियों में शौचालय की सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव, बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालयों का अभाव पाया जाता है। मकानों की सुरक्षा न होना, कच्ची बस्तियों में किसी प्रकार की मकानों की सुविधा नहीं होती है। सुरक्षा की व्यवस्था न होना, मकानों की किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है। कम पोषण से अनेक रोगों का खतरा, कम पोषण से अनेक रोगों का खतरा रहता है। जोखिम भरा कार्य करने से असुरक्षित जीवन, कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग अपना जीवन यापन करने के लिए जोखिम भरा कार्य भी करते हैं, जोखिम भरा कार्य भी करते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं। इस प्रकार की मजदूरी करके कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और समाज के द्वारा इन कच्ची बस्तियों को निम्न दृष्टि से देखा जाता है, समाज के द्वारा इन कच्ची बस्तियों को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। ये होगी कच्ची बस्तियों की समस्याएं। और इसके बाद में फिर अगला टॉपिक है कच्ची बस्तियों की समस्याओं का समाधान। कच्ची बस्तियों की समस्याओं का समाधान, कच्ची बस्तियों की समस्याओं का समाधान। कच्ची बस्तियों की जो आप लोगों ने समस्याएं पढ़ी इनका क्या समाधान हो सकता है, तो ध्यान से सुनो। इनकी समस्याओं का जो समाधान है, सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों की जो समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा निम्न दरों पर, सरकार के द्वारा निम्न दरों पर आवास उपलब्ध करवाया जा सकता है। कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को सरकार के द्वारा कम दरों पर या कम मूल्य में इनको आवास उपलब्ध करवाया जा सकता है। इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगला समाधान क्या है, नल या टैंकरों द्वारा इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा नल या टैंकरों द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कम दरों पर इन लोगों को आसानी से की जा सकती है। अगला समाधान है ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा की तरह, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यक्रम चलता है उसी की तरह सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्य करवाए जाने चाहिए, ताकि नगरों में रहने वाले लोगों को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और उन्हें समय पर रोजगार मिल सके। फिर कच्ची बस्तियों में बच्चों के लिए, कच्ची बस्तियों में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने के लिए विद्यालय भी खोले जाने चाहिए। सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों में विद्यालय खोले जाने चाहिए, ताकि सरकार विद्यालय खोलने से बस्तियों में रहने वाले बच्चे भी एजुकेशन ले सके। और सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,
ऐसी बस्तियों में सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाने चाहिए ताकि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ हो मिल सके। अगला समाधान है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के साधन, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने से लोगों का शहरों की ओर पलायन रुक जाएगा। जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा तो वो लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें गांव में रोजगार मिल रहा है तो वो शहरों के अंदर नहीं आएंगे, उनका पलायन रुक जाएगा। और सरकार भी हमेशा यही चाहती है कि लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर नहीं आए। सरकार का हमेशा यही प्रयास रहता है कि गांव के लोग हैं गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन नहीं करें, क्योंकि वो लोग गांव में रोजगार करेंगे तो शहरों में उनको आने की जरूरत नहीं है, उनको वही रोजगार मिल जाएगा। सरकार अनेक प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, अनेक प्रकार के रोजगार के कार्यक्रम चला रही है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं नरेगा कार्यक्रम, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसको नरेगा या मैं नरेगा के नाम से आप जानते हो, तो इन कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। सरकार को इस प्रकार के कार्य और चलाने चाहिए। और कच्ची बस्तियों में चौड़ी सड़कों का निर्माण, सरकार के द्वारा चौड़ी सड़कों का निर्माण करवाया जा सकता है। और लोगों को स्वरोजगार करने के लिए, लोगों को खुद का रोजगार करने के लिए कम ब्याज दरों पे उन्हें पैसे उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। कानून और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखें। सरकार भी प्रयास करेगी कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखे। तो यह कच्ची बस्तियों की समस्याओं का समाधान कि नगरीय जो कच्ची बस्तियां हैं उनकी जो सब जितनी भी समस्याएं आप लोगों ने पढ़ी उन सब का सरकार के द्वारा क्या क्या समाधान किया जा सकता है। तो जो मैंने आपको बताई ये सारी नगरीय कच्ची बस्तियों की जो समस्याएं हैं इनका आसानी से सरकार के द्वारा कम पैसों में या कम ब्याज दरों पर इनको आसानी से इनका समाधान किया जा सकता है। तो ये थी कच्ची बस्तियों की समस्याओं का समाधान। इसके बाद में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती। आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती कौन सी है, तो आप बताएंगे मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती। एशिया की अपना पढ़ेंगे एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती। इससे संबंधित आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती के बारे में बहुत सारी बातें हैं। आप एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि 8-10 बातें मैं आप लोगों को एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती के बारे में बताऊंगा, उनमें से किसी के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। समझने का आप लोग ध्यान से प्रयास करें कि आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती का नाम बताइए। एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती है वह है धारावी बस्ती या धारावी कच्ची बस्ती। अब ध्यान से सुनो, अपन एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती के बारे में एक टॉपिक है, इसके बारे में 8-10 बातें बता रखी है। प्रत्येक बच्चा ध्यान सुनेगा कि इस धारावी बस्ती नाम इसका धारावी बस्ती है जो एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती है एशिया महाद्वीप की, उस कच्ची बस्ती के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनो, मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती है। मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती है। विश्व के अन्य देशों की कच्ची बस्तियों की तरह यहाँ का जनजीवन भी घोर नार की जीवन, लोगों का जीवन एकदम कठिनाई में, आराम में नहीं है। आप पढ़ रहे हैं एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती, मुंबई शहर में ये स्थित है धारावी कच्ची बस्ती, मुंबई शहर में है। तो सबसे पहला बिंदु इस ऐसे ही
ऐसे ही जो धारावी कच्ची बस्ती है, इस धारावी कच्ची बस्ती के बारे में जो सबसे पहला बिंदु है वो है धारावी बस्ती की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे आप। आपसे एग्जाम में इस धारावी बस्ती को लेकर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि धारावी बस्ती की स्थापना के बारे में। पहला क्वेश्चन था कि धारावी बस्ती ऐसे की विशाल कच्ची बस्ती का नाम बताएंगे, तो बताएंगे मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती या धारावी कच्ची बस्ती है तो ऐसे की विशाल कच्ची बस्ती है। इस बस्ती को लेकर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है धारावी बस्ती की स्थापना के बारे में बताइए। जो दूसरा क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि धारावी बस्ती की स्थापना के बारे में बताइए, तो आप बताएंगे इसकी स्थापना के बारे में 18वीं शताब्दी में यहाँ एक द्वीप था, 18वीं शताब्दी में यहाँ एक द्वीप था, 70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुम्हारों ने, 70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुम्हारों ने इसे बसाया था, गुजरात के कुम्हारों ने इसे बसाया था, जिनकी संख्या लगभग दस हजार थी। ये इसकी स्थापना के बारे में आप बताएंगे। तो ये होगी धारावी बस्ती की स्थापना के बारे में बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसके बारे में बताएंगे कि 18वीं शताब्दी में यहाँ एक द्वीप था और 70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुम्हारों ने इसे बसाया था, जिनकी संख्या लगभग 10,000 थी। ये इनकी स्थापना के बारे में बताएंगे आप, ये आप इसकी स्थापना के बारे में बताएंगे। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कच्ची बस्ती के बारे में या धारावी बस्ती के बारे में। दूसरा आपसे जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अविस्थिति एवं विस्तार। धारावी बस्ती की अविस्थिति एवं विस्तार के बारे में बताइए, तो आप बताएंगे यह कच्ची बस्ती, इसकी अविस्थिति और विस्तार के बारे में बताएंगे आप। यह कच्ची बस्ती मुंबई शहर में जुहू, मुंबई शहर में जुहू एक जगह का नाम है, जैसे जयपुर में जोरवाड़ा है, चौमू है, जोमेर है, ऐसे कई गाँव के जिस नाम बता के, वैसे ही एक उपनगर है मुंबई के अंदर भी एक उपनगर है जिसका नाम जुहू है। तो ये कच्ची बस्ती मुंबई शहर में जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, उपनगरीय रेल मार्ग उपनगरों को जाते हैं, जैसे चौमू जयपुर के लिए उपनगर है, जौनेर जयपुर के लिए उपनगर है। तो ये कच्ची बस्ती मुंबई शहर में जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्गों के बीच में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 891.2 बीघा या 557 एकड़ है। आप दोनों तरफ से ऐसे बता सकते हो, इसका क्षेत्रफल लगभग 891.2 बीघा या 557 एकड़ है, ये इसका क्षेत्रफल है, इसकी ये अविस्थिति और विस्तार है। जब इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ये बताएंगे ये इसकी अविस्थिति एवं विस्तार है। आगे आपसे पूछा जा सकता है धारावी बस्ती की जनसंख्या के बारे में। धारावी बस्ती की जनसंख्या के बारे में बताइए, तो आप धारावी बस्ती की जनसंख्या के बारे में बताएंगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के बारे में आपसे पूछिए धारावी बस्ती की जनसंख्या के बारे में बताइए, तो आप बताएंगे सन 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 6 लाख
सन 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 6 लाख है जो 1 लाख घरों में निवास करती है। यहाँ की जनसंख्या 6 लाख है जो 1 लाख घरों में निवास करती है। एक घर में 10 से 15 व्यक्ति, एक घर में 10 से 15 व्यक्ति एक ही कमरे में निवास करते हैं और यहाँ के लगभग 60% परिवार पिछले 60 वर्षों से निवास कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर जगह बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, जगह की कमी, रहने के लिए लोगों को जगह की बहुत कमी है मुंबई के अंदर। और सब खाने पीने की सब वस्तुएं बहुत आसानी से सस्ती दरों में उपलब्ध हो सकती है, लेकिन रहने के लिए आवास में बहुत ज़्यादा कमी है, कंजस्टेड है बहुत ज़्यादा। इसलिए ये जो सारी बातें बताई कि रियल फैक्ट है कि एक कमरे को किराए से लेकर उसमें 10 से 15 व्यक्ति उसमें रहते हैं, रहने की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो आप जनसंख्या के बारे में बताएंगे कि आपसे पूछा जाए कि धारावी बस्ती की जनसंख्या के बारे में बताइए। तो धारावी बस्ती की जनसंख्या के बारे में आप बताएंगे, सन 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 6 लाख है जो 1 लाख घरों में निवास करती है और एक कमरे में 10 से 15 व्यक्ति जीवन यापन करते हैं और यहाँ 60% परिवार पिछले 60 वर्षों से यहाँ निवास करते आ रहे हैं। ये इसकी जनसंख्या के बारे में। फिर धारावी बस्ती को लेकर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, धारावी बस्ती को लेकर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि धारावी बस्ती के परिवहन के बारे में बताइए कि धारावी बस्ती में परिवहन की क्या व्यवस्था है। फिर परिवहन के बारे में कि यहाँ धारावी बस्ती इतनी बड़ी ऐसी आबादी की गजब बस्ती, इसमें परिवहन की क्या सुविधा है। तो परिवहन के बारे में बताएंगे आप लोग कि इस गंदी बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क, इस गंदी बस्ती से एक मुख्य सड़क गुजरती है, इस गंदी बस्ती से एक मुख्य सड़क गुजरती है जिसको 90 करोड़ के गलत नाम से जाना जाता है। इस धारावी बस्ती से एक मुख्य सड़क गुजरती है जिसको 90 फुट रोड के गलत नाम से जाना जाता है। गलत नाम से क्यों जाना जाता है, कहने को तो 90 फुट रोड है लेकिन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, ये रोड अब 90 फुट नहीं है। अब रोड की वर्तमान में स्थिति यह है कि एक साइकिल भी आसानी से नहीं निकल सकती, एक साइकिल भी आसानी से नहीं निकल सकती, वर्तमान में स्थिति यह है। इसलिए लाइन इसमें दी गई है, इस गंदी बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है जिसको 90 फुट रोड के गलत नाम से जाना जाता है, इसको 90 फुट रोड के गलत नाम से जाना जाता है, जिसकी चौड़ाई घटते घटते आधे से भी कम रह गई है, जिसकी चौड़ाई घटते घटते आधे से भी कम रह गई है। यहां सरकार की सरकारी बसें भी बस्ती के बाहर से गुजरती है। कहने को रोड 90 फुट है लेकिन लोगों ने अतिक्रमण करने के कारण यहां सरकार की सरकारी बसें भी बस्ती के बाहर से गुजरती है। ऑटो रिक्शा होता है वो भी बस्ती के अंदर से नहीं जा सकता, ऑटो रिक्शा होता है वो भी बस्ती के अंदर से नहीं जा सकता है। इस बस्ती में तिपैया वाहनों का प्रवेश निषेध है, इस बस्ती में तिपैया वाहनों का प्रवेश निषेध है, मना है। इस बस्ती में कुछ गलियां इतनी सक्रिय है कि एक साइकिल का निकलना भी मुश्किल है। तो आप लोगों ने धारावी बस्ती की परिवहन व्यवस्था के बारे में जानकारी ली, आप लोगों ने धारावी बस्ती की परिवहन व्यवस्था कैसी है, वहाँ की वर्तमान समय की परिवहन व्यवस्था कैसी है, रियल फैक्ट है। धारावी बस्ती मुंबई के अंदर स्थित है, ऐसे की विशाल और अच्छी बस्ती है जिसके बारे में आपसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। आप कन्फ्यूज होंगे तो कन्फ्यूज रहेंगे तो आपसे पूछा जाएगा धारावी बस्ती की स्थापना के बारे में और आप निश्चित रूप से उसके बारे में बताएंगे, आप इसके लिए विस्तार होगा, इसके लिए इसका बिंदु इसको देखेंगे ध्यान से नहीं पड़ेंगे, इसलिए आपसे इस लेकर
स्थापना के बारे में, धारावी कच्ची बस्ती की स्थापना के बारे में बताइए। अगला प्रश्न आप लोग इसकी अविस्तृतीय विस्तार के बारे में, जो धारावी बस्ती है इसकी अविस्तृतीय विस्तार, फिर इसकी जनसंख्या, धारावी बस्ती की जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में बताएंगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार धारावी बस्ती की जनसंख्या 6 लाख है, जो 1 लाख घरों में निवास करती है और यहाँ एक कमरे को 10 से 15 व्यक्ति किराए में लेकर जीवन यापन करते हैं और पिछले 60 वर्षों से यहाँ 60% परिवार निवास करते आ रहे हैं। ये इसकी जनसंख्या के बारे में। और फिर परिवहन व्यवस्था, धारावी बस्ती के अंदर परिवहन की क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में आप बताएंगे। धारावी बस्ती में से एक मुख्य सड़क गुजरती है जिसको नवाबपुर रोड के गलत नाम से जाना जाता है, इसको नवाबपुर रोड के गलत नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई घटते घटते आधे से भी कम रह गई है, इसकी चौड़ाई घटते घटते आधे से भी कम रह गई है। इसमें सरकार की जो बसें हैं वो भी बस्ती के बाहर से गुजर जाती है, बस्ती में ऑटो रिक्शा भी प्रवेश नहीं कर सकता है और बस्ती की कई गलियां इतनी सक्रिय है जहां से साइकिल का निकलना भी मुश्किल है, तो यह आपने देखा धारावी बस्ती की परिवहन व्यवस्था, धारावी बस्ती की परिवहन व्यवस्था कैसी है, परिवहन व्यवस्था। फिर भवन या आवास, भवन या आवास, भवन या आवास, आगे देखिए धारावी बस्ती के भवन या आवास के बारे में, धारावी बस्ती के भवन या आवास के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि धारावी बस्ती के भवन या आवास कैसे हैं धारावी बस्ती में, तो आप बताएंगे कि संपूर्ण बस्ती में अस्थायी मकान बने हैं। अगला प्रश्न धारावी बस्ती को लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि भवन, धारावी बस्ती में भवन या मकान कैसे हैं, धारावी बस्ती की भवन या मकान के बारे में जानकारी दीजिए, ध्यान से सुनो। इसके बारे में आप बताएंगे कि संपूर्ण बस्ती में अस्थायी मकान बने हुए हैं, संपूर्ण बस्ती में अस्थायी मकान बने हुए हैं जो 2 से 3 मंजिला बने हुए हैं, संपूर्ण बस्ती में अस्थायी मकान बने हुए हैं जो 2 से 3 मंजिला बने हुए हैं। इन मकानों पर जंग लगी हुई लोहे की सीढ़ियां लगी हुई है, इन मकानों पर जंग लगी हुई लोहे की सीढ़ियां लगी हुई है और मकान अलग अलग ऊंचाई में बने हुए हैं और अलग अलग रंगों में पुते हुए हैं, मकान अलग अलग ऊंचाई के बने हुए हैं, अलग अलग रंगों में पुते हुए हैं और यहाँ एक कमरे को किराए से लेकर 10 से 15 व्यक्ति निवास करते हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर जगह बहुत कम है, जगह कंजेस्टेड है, जगह की बहुत कमी है, रहने के लिए लोगों के एक कमरे में 10 से 15 व्यक्तियों को एडजस्ट होना पड़ता है। तो ये भवन या आवास के बारे में मैंने जानकारी दी आप लोगों को कि धारावी बस्ती के भवन या आवास के बारे में बताएंगे संपूर्ण बस्ती में अस्थायी मकान बने हुए हैं, संपूर्ण बस्ती में अस्थायी मकान बने हुए हैं और जो 2 से 3 मंजिला बने हुए हैं, जो 2 से 3 मंजिला बने हुए हैं, मकानों में जंग लगी हुई लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई है, मकानों में जंग लगी हुई लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई है, मकान अलग अलग ऊंचाई के हैं और मकान अलग अलग रंगों में पुते हुए हैं और एक कमरे को किराए से लेकर 10 से 15 व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हैं। ये हो गया भवन या आवास के बारे में, धारावी बस्ती के भवन या आवास, भवन या आवास कैसे हैं इसके बारे में आप ये बताएंगे। ये धारावी बस्ती को लेकर सारे प्रश्न हैं। आगे आप पढ़ेंगे धारावी बस्ती की आधारभूत सुविधाएं, धारावी बस्ती की आधारभूत सुविधाएं,
धाराएं बस्ती की आधारभूत सुविधाएं। तो ध्यान से सुनो, आधारभूत सुविधाएं इस बस्ती में क्या क्या आधारभूत सुविधाएं पाई जाती है, एक एक बिंदु को ध्यान से सुनेंगे। इस धाराएं बस्ती में लेकर आपसे आधारभूत सुविधाएं पूछी जाएगी, आधारभूत सुविधाएं बस्ती में आधारभूत सुविधाएं क्या क्या है। तो सुविधाओं के बारे में बताएंगे आप लोग, इस बस्ती में शुद्ध पेयजल, इस बस्ती में शुद्ध पेयजल पीने योग्य जल, वायु एवं प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। इस बस्ती में शुद्ध पेयजल, वायु एवं प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। यहां 1500 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय बना हुआ है, यह धाराई बस्ती की आधारभूत सुविधाएं। धाराई बस्ती की आधारभूत सुविधाओं के बारे में बताइए, तो आप यह आधारभूत सुविधाओं के बारे में बताइए कि आधारभूत सुविधाएं इस बस्ती में क्या क्या है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुनो उसको, कि धाराई बस्ती की आधारभूत सुविधाएं क्या है। इस बस्ती में शुद्ध पेयजल, वायु एवं प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ 1500 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय बना हुआ है। ऐसे की विशालतम कच्ची बस्ती है, गंदी बस्ती है, इसकी वर्तमान स्थिति है। 1500 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय बना हुआ है। गंदे जल की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, इस बस्ती में गंदे जल की निकास के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण पानी जगह जगह गड्ढों में भरा हुआ है, पानी जगह जगह गड्ढों में भर जाता है। और यहाँ जगह जगह काले कोये, जगह जगह काले कोये एवं भूरे चूहे पाए जाते हैं। ये इस बस्ती की आधारभूत सुविधाएं हैं, ये इस बस्ती की आधारभूत सुविधाएं हैं कि जगह जगह बस्ती में काले कोये एवं भूरे चूहे पाए जाते हैं। ये इस बस्ती की आधारभूत सुविधाएं हैं जिसके बारे में आप अवगत हुए, आपने जानकारी प्राप्त की बस्ती की आधारभूत सुविधाएं क्या क्या है। इसी बस्ती के बारे में अगला बिंदु आप और पढ़ेंगे अभी, व्यवसाय एवं रोजगार, कि इस बस्ती में रहने वाले व्यक्ति उनका क्या व्यवसाय है, क्या उनका रोजगार है। व्यवसाय एवं रोजगार, कि इस बस्ती में रहने वाले जो व्यक्ति है उनका क्या व्यवसाय है, क्या उनका रोजगार है। बस्ती में जगह जगह मिट्टी के उत्पाद, बस्ती में जगह जगह मिट्टी के उत्पाद पकाने एवं ईंटों के भट्टे हैं। बस्ती में जगह जगह मिट्टी के उत्पाद पकाने एवं ईंटों के भट्टे हैं। और इस बस्ती में प्लास्टिक तथा अन्य वस्तुओं का पुनः चक्रण होता है। इस बस्ती में प्लास्टिक तथा अन्य वस्तुओं का पुनः चक्रण होता है। और मुंबई में 80% कचरे का पुनः चक्रण धारावी गंदी बस्ती में ही होता है। इस कारण जहरीला धुआं फैलता रहता है और यहाँ गंदी गलियों वाली बस्ती में मछुआरे अधिक पाए जाते हैं। जो मछलियां पकड़ने का कार्य करते हैं। तो ये तो हो गया इसका व्यवसाय। अभी इसके रोजगार के बारे में, यहाँ से इसी बिंदु में से एक प्रश्न ध्यान से सुनो जो आपसे पूछा जा सकता है, उसका आप क्या उत्तर लिखेंगे कि धारावी गंदी बस्ती ने, पूरे एशिया महाद्वीप की गंदी बस्ती है, तो सुनो ध्यान से, धारावी गंदी बस्ती ने किन उपयोगी कार्यों के लिए विश्व में ख्याति प्राप्त कर रखी है, विश्व में नाम कमा रखा है। कहने को तो एशिया की गंदी बस्ती है, धारावी कच्ची बस्ती है, धारावी गंदी बस्ती, लेकिन पूरे वर्ल्ड में बस्ती ने नाम कमा रखा है। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं ऐसा क्या काम करते हैं जिसके कारण इस बस्ती को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो ध्यान से सुनो, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि धारावी गंदी बस्ती ने किन उपयोगी कार्यों में विश्व में ख्याति प्राप्त कर रखी है, विश्व में अपना नाम कमा रखा है। तो उसके उत्तर के बारे में आप बताएंगे कि धारावी गंदी बस्ती में मिट्टी के बर्तन, इस धारावी गंदी बस्ती में मिट्टी के बर्तन, कशीदाकारी, जरी का काम, चमड़े को शुद्ध करने का कार्य, धातु का कार्य, सुंदर